जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएन स्कूल्स डॉट कॉम में। दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है बिटकॉइन और दूसरे अल्ट कॉइन्स को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। जितने भी क्रिप्टो लवर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए दोस्तों यहां पर बिटकॉइन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट साल का आप इसे कह सकते हैं, जो आज यहां पर मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों कल भी मैंने बिटकॉइन के बारे में एक अपडेट दिया था और जिन लोगों ने कल का मेरा वीडियो पूरा देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा बिटकॉइन का फ्यूचर, और दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आज बुक कर लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आज 10% 20% अप चल रहा है। लेकिन आगे बिटकॉइन में क्या होने वाला है और दूसरे अल्टकॉइंस की वैल्यू इस समय कैसे इंपैक्ट करेगी बिटकॉइन की वजह से, वो सभी के बारे में यहां पर बात करेंगे। कैसे दोस्तों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से आप बहुत ही अच्छी इनकम लेते हुए बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, सभी के बारे में आज आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेस पर लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट यहां पर हम आपको देते रहें। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं बिटकॉइन से रिलेटेड सबसे जबरदस्त अपडेट क्या है और दोस्तों अब आगे आपको क्या करना है। अब दोस्तों एक जो अपडेट है वो तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा जो अपडेट है उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आप वाकई बिटकॉइन के बारे में जो जानेंगे आज वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम का साबित हो सकता है। तो दोस्तों एल साल्वाडोर तो पहला कंट्री बन ही गया है जिसने क्रिप्टो को एक बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है और दोस्तों यहां पर अब बिटकॉइन से लोग जो शॉप्स वगैरह हैं उन पर भी सामान खरीदने लगे हैं। यहां पर बिटकॉइन पूरी तरह से एक लीगल टेंडर घोषित हो चुका है, जिस तरह से एक करेंसी होती है उसी तरह से यहां पर बिटकॉइन और दूसरे जो अल्टकॉइंस हैं उनका यूज किया जाने लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये, किसी ना किसी कंट्री ने यहां पर शुरुआत कर दी है। लेकिन इसके अलावा 5 और कंट्री हैं जो दोस्तों बहुत ही जल्दी बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने की सोच रहे हैं, और दोस्तों ये जो अपडेट है सीधा एनालिटिक्स इनसाइट का अपडेट है जिसके बारे में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। दोस्तों इनमें नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स। अब दोस्तों हमें बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा कंट्री है वो जो बहुत ज्यादा डेवलप है और दोस्तों टेक्नोलॉजी की वैल्यू को जानने वाला ये एक कंट्री है। यानी दोस्तों कोई भी अच्छी, कोई भी नई, कोई भी बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनाइटेड स्टेट्स उस टेक्नोलॉजी को ना अपनाए। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स से जो अपडेट आ रहा है वो जबरदस्त है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलवेज बीन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बिटकॉइन एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क फिनसेन हैज बीन इशूइंग गाइडेंस ऑन द बिटकॉइन सिंस 2013। एडिशनली बिटकॉइन इज कैटेगराइज्ड एज प्रॉपर्टी फॉर टैक्सेशन पर्पस बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। हाउएवर सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग टू प्रिवेंट द यूज ऑफ बिटकॉइन फॉर इलीगल ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों यहां पर यूएसए में इस समय बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर काफी कुछ चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहां पर बिटकॉइन की बुराई की थी, लेकिन उनका जो बुराई करने के पीछे का जो एम था वो पॉलिटिकल पर्पस से था, राजनीतिक पर्पस से था, क्योंकि हमें पता ही है जो बाइडेन के बहुत ज्यादा विरोध में यहां पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप है और उन्हें पता है कि इस तरह का बयान देकर वो जो बाइडेन को यहां पर फंसा सकते हैं। लेकिन उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट हालांकि पड़ा नहीं। G7 समिट में भी जो बाइडेन ने यहां पर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत रखी है और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स इस दिशा में काम कर रहा है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को, खासतौर से बिटकॉइन को, वहां पर शायद लीगल टेंडर बना दिया जाए और टैक्स वगैरह जो है उस पर ऑलरेडी ये इसमें लेकर आ गए हैं। और इस तरह से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। दूसरा जो कंट्री है वो है कनाडा। दोस्तों कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं वो यंग हैं, एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट की तरह। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट काफ़ी यंग हैं और ये भी काफ़ी यंग हैं। और दोस्तों जितने भी आजकल यंग चेहरे हैं वो खासतौर से क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को सपोर्ट ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आने वाले समय की एक टेक्नोलॉजी है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इसीलिए जो कनाडा है वो जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है बिटकॉइन और दूसरे अल्टकॉइंस को। कनाडा हैज ऑलवेज मेंटेन्ड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स बिटकॉइन एंड हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ कमोडिटी बाय द कनाडा रिवेन्यू एजेंसी। द एजेंसी कंसिडर्स बिटकॉइन ट्रांजेक्शन एज बार्टर ट्रांजेक्शन एंड द इनकम जनरेटेड एज बिजनेस इनकम। एडिशनली कनाडा कंसिडर बिटकॉइन एक्सचेंज एज अ सर्विस। हाउएवर दिस ऑल्सो ब्रिंग्स इट अंडर द रडार ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML लॉज। तो दोस्तों यहां पर कनाडा भी पूरी तरह से बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों हर कंट्री के सामने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि इलीगल ट्रांजेक्शन को कैसे रोका जाए। अब इलीगल ट्रांजेक्शन जो है वो किसी ना किसी तरीके से तो दोस्तों होती हैं, जब दोस्तों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज नहीं थी तब भी होती थी, आज की डेट में भी होती हैं। लेकिन सभी सरकारें इस चीज पर काम कर रही हैं, ना कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने पर, कि ये जो इलीगल ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसीज से अभी हो रही हैं इसे कैसे रोका जाए। इसके लिए सभी एक्सचेंज वगैरह जो है उन्होंने KYC वगैरह यहां पर मस्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले तक KYC वगैरह भी यहां पर नहीं होता
होता था। अब दोस्तों आप केवाईसी करने के बाद ही यहाँ पर बिटकॉइन और दूसरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग वगैरह कर पाते हैं। हालांकि कुछ जो एक्सचेंज है वो अभी भी इसमें ढिलाई बरतती हैं, लेकिन इस सब पर काम चल रहा है। वो बहुत ही जल्दी ये पूरे का पूरा केवाईसी सिस्टम कर दिया जाएगा, भले ही वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही क्यों ना हो। तो दोस्तों यूनाइटेड और कनाडा दोनों डेवलप कंट्रीज हैं और दोनों बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज के संबंध में काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। तीसरा कंट्री यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला बहुत अच्छा कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया हैज डिक्लेयर्ड बिटकॉइन लीगल सिमिलर टू द यूएस एंड कनाडा। हाउएवर द बायर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंशियल एक्ट। मोरओवर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन्स टैक्स। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिटकॉइन एंड जो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें लीगल तो घोषित किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम वही आ रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज में बिटकॉइन का यूज अभी भी किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों केवाईसी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग एक्सचेंज पर किया जाएगा। अभी तक का जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, इन 2015 द यूरोपियन कोस्ट ऑफ जस्टिस अनाउंस दैट बाइंग एंड सेलिंग डिजिटल करेंसीज इन द ईयू इज कंसीडर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड मेड इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द वैल्यू एडेड टैक्स। मोरओवर सम ईयू कंट्रीज सच एज फिनलैंड, बेल्जियम, यूके एंड बुल्गारिया हैव आल्सो डेवलप्ड देयर ओन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट बिटकॉइन ट्रेडिंग। लेकिन अब जो है दोस्तों ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी एल साल्वाडोर को देखते हुए और यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों ये भी बिटकॉइन, अब दोस्तों ये जितने भी कंट्री हैं ये सभी डेवलप हैं, बड़े कंट्रीज हैं, बहुत अच्छे कंट्रीज हैं। उधर दोस्तों सबसे बड़ा जो इन सारे कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम है वो चाइना है, क्योंकि अकेले चाइना में ही 70% से भी ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग होती है और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज भी ज़्यादातर चाइना में ही पॉपुलेट किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों चाइना आगे निकल रहा है इन सारे कंट्रीज से, इसलिए कॉम्पिटिशन की वजह से भी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे के सारे कंट्रीज इस समय जो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भागने के लिए बेबस हैं। उधर बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो दोस्तों जेफ बेजोस की कंपनी हो, अमेजोन, चाहे दोस्तों वो यहाँ पर टेस्ला कंपनी हो, टेस्ला सबसे बड़ी, स्पेसएक्स, चाहे वो स्पेसएक्स हो, स्पेसएक्स ने डॉकॉइन वहाँ पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, वैसे तो देखिए एलन मस्क के ट्वीट को बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के सेक्टर में ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद फिर भी हम यहाँ पर यही कहेंगे कि एलन मस्क ने एक बार फिर से यहाँ पर घोषणा कर दी है कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला की कारों को बेचने के लिए वो एज अ पेमेंट मेथड। लेकिन उसने उसके लिए बोला है कि जो माइनर्स हैं उन्हें 50% तक इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना होगा। लेकिन दोस्तों एक ज़बरदस्त बात देखिए कि यहाँ पर एलन मस्क का जो ये ट्वीट आया, जो ये अपडेट आया, किस समय पर आया है, उस समय पर आया है जब बिटकॉइन का 90% सिग्नल्स यहाँ पर कामयाब हो गया टैप रूट एक्टिवेशन के लिए। और दोस्तों अब बिटकॉइन का टैप रूट एक्टिवेशन बिल्कुल भी दूर नहीं है, पूरी तरह से ये काम करने लग जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों यहां पर अपडेट देखिएगा, बिटकॉइन टैप रूट अपडेट फाइनली गेट्स लॉग्ड इन एज 90% ऑफ द माइनर सिग्नल सपोर्टेड दिस एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्टिवेशन इज बेसिकली अ 5-month वेटिंग पीरियड वेयर द माइनर्स एंड नोड्स नीड टू अपडेट देयर सॉफ्टवेयर टू बिटकॉइन कोर 02.1.1। अब दोस्तों 2017 के बाद से बिटकॉइन टैप रूट सबसे बड़ा अपडेट है अभी तक का बिटकॉइन में, तब से अभी तक कोई अपडेट आया नहीं था। लेकिन दोस्तों जो 2017 में अपडेट आया था वो आया था दोस्तों बिटकॉइन में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो 2017 का अपडेट था, यहाँ पर देखिए ये टैप रूट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपग्रेड टू बिटकॉइन नेटवर्क सिंस 2017 सेगविट और ब्लॉक साइज इंक्रीज। 2017 में क्या किया गया था, सेगविट और ब्लॉक साइज इंक्रीज कर दिए गए थे। इसका फायदा यह हुआ था कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस थोड़ी सी कम हो गई थी और बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा तेज स्पीड से होने यहां पर लग गया था। हालांकि अभी भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में जो है लगभग 10 मिनट का समय लगता है, जो कि काफी ज्यादा माना जाता है। और बिटकॉइन जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज है वो कम करता है और कार्बन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा करता है। लेकिन दोस्तों सबसे जबरदस्त बात यह है कि 2017 में जैसे ही अपडेट आया था बिटकॉइन का, तो दिसंबर 2017 में बिटकॉइन के प्राइस उस समय 20,000 को टच किए गए थे, जो कि 2000 से उठकर 20,000 तक पहुंचे थे कुछ ही दिनों के अंदर। 10 गुना का प्रॉफिट यहां पर दिया था और जितने भी दूसरे
अल्टकॉइंस थे उन्होंने भी बिटकॉइन के साथ साथ यहाँ पर जबरदस्त बेनिफिट दिया था। तो दोस्तों इस बार तो टैप रूट एक्टिवेशन है, और दोस्तों टैप रूट एक्टिवेशन का तो मतलब ही ये है कि ये जो टैप रूट एक्टिवेशन है बिटकॉइन इकोसिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाएगी, इसके ट्रांजेक्शन को 10 गुना तेजी तक बढ़ा देगी, साथ ही दोस्तों जो कार्बन का प्रोडक्शन होता है उसे यहाँ पर कम करेगी, और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, और दोस्तों इसके जो बेनिफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे लोअर फीस यानी बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन फीस हैं अभी ज़्यादा होते हैं ये काफ़ी कम लगने लग जाएंगे, ईजियर एंड चीपर विच मीन्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी और चीपर हो जाएगा जिससे इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड होगी एंड लाइटनिंग बूस्ट होगा, और इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन यहाँ पर कम होगा। ये सारे के सारे जो अपडेट हैं बिटकॉइन में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एलन मस्क जानते हैं कि टैप रूट अपडेट हो जाने के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज है बिटकॉइन में वो 50% तक आराम से हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है कि बिटकॉइन माइनर्स को 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना होगा, तभी वो टेस्ला की कारों के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, और दोस्तों बिटकॉइन इसके लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सारे के सारे अपडेट जैसे ही आए दोस्तों वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 10 से 12% तक तो अभी बढ़ ही चुका है, लेकिन दोस्तों इस समय पर आप ना खरीदें क्योंकि अभी थोड़ा सा यहां पर गिरेगा 4 से 5% एक बार फिर से, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जबरदस्त बढ़ सकता है। साथ ही बिटकॉइन गोल्ड और दोस्तों एक दो और कॉइन है इसके अलावा जितने भी अल्टकॉइन है उन सभी पर इसका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बिटकॉइन और अल्टकॉइंस के क्षेत्र में एक बार फिर से जो पूरे का पूरा मार्केट क्रैश हो गया था वो ऑलरेडी काफी नीचे गिर गया है, लेकिन दोस्तों अब फिर से यहां पर एक बार तरक्की होगी, और दोस्तों इस बार फिर से बिटकॉइन और दूसरे अल्टकॉइंस काफी सारे लोगों को करोड़पति बनाएंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों बिटकॉइन के सेक्टर में अभी तक अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज का, वहां पर आप साइन अप कर लें, वहां पर आपको कुछ गिव अवे अमाउंट भी मिल सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरा लिंक है जहां पर अगर साइन अप करके केवाईसी आप कंप्लीट करते हैं तो कुछ रुपए के फ्री बिटकॉइन आपको मिल जाएंगे जिससे आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। और नंबर 3 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक भी रुपया बिना इन्वेस्टमेंट किए भी आप लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होगा और केवाईसी कंप्लीट करनी होगी वहां पर, इसके बाद हम आपको फोन करके जानकारी देंगे कि कैसे आप यहां पर लाखों रुपए महीना बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हैं। और नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वो भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स पाते रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स पाते रहने के लिए।